अगर आप हमेशा थका थका महसूस करते हैं और कोई काम में मन नहीं लगता, तो ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा आपका अपने YouTube चैनल gaurangimedics.com पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम फटीग यानी थकान के बारे में बात करेंगे। मैं थकान के लक्षण, इसकी वजह और इसको ठीक करने के उपायों के बारे में डिटेल में बात करूंगी। ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को थकान की शिकायत पुरुषों से ज़्यादा होती है। इसे हम लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, पर थकान बहुत सारी बीमारियों का पहला लक्षण होती है, इसलिए इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। थकान शारीरिक या मानसिक दोनों तरह की हो सकती है। तो पहले बात करते हैं शारीरिक थकान पे। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें शारीरिक थकान होती है और इसे इग्नोर करते रहने पे बीमारियां ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहली है नसों की बीमारियां, जैसे पार्किंसन डिजीज़, माइस्थीनिया ग्रेविस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इनमें हमारी सेंसरी और मोटर नर्व्स में प्रॉब्लम आने लगती है, जिसकी वजह से मसल्स में वीकनेस होती है। नतीजा ये कि बदन दर्द होता है और हम सारा दिन थका महसूस करते हैं। दूसरा है हेड इंजरीज, नई या पुरानी सर की चोटों में भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तीसरा है बॉडी में थायराइड हार्मोन का ज़्यादा या कम होना। अगला कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होना। अगला है ब्लड शुगर्स का फ्लक्चुएशन, मतलब आपके खून में शुगर का लेवल जल्दी जल्दी घटना बढ़ना। ऐसा अक्सर थकान पैदा करता है, ये डायबिटीज़ के मरीजों में देखा जाता है। अगला है एड्रिनल फटीग, जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और ओवर एग्जर्ट करते हैं तो भी पूरे दिन बदन दर्द होता है और आप थका महसूस करते हैं। अगला है मोटापा। मोटापा खुद तो एक कारण होता ही है थकान का, बल्कि ये अपने साथ साथ और भी कई बीमारियां लेके आता है, जैसे स्लीप एपनिया, फैटी लिवर, डायबिटीज़ और डिप्रेशन, जिनसे और भी ज़्यादा थकान होती है। अगला है अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट से भी शारीरिक थकान होती है। सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी पीने से पहले तो हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, पर ये आर्टिफिशियल एनर्जी लेवल्स बहुत जल्दी क्रैश हो जाते हैं और हम थकान महसूस करते हैं। सुबह उठते ही मीठा या फ्राइड फूड खाने से भी थकान होती है। ऐसा देखा गया है कि मैग्नीशियम, विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से भी थकान पैदा होती है। अगला है इन्फेक्शंस, जैसे वायरल फीवर या हेपेटाइटिस। लिवर, किडनी, हार्ट और लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम होने से भी थकान पैदा होती है। खून की कमी या अनीमिया एक बहुत कॉमन कारण है थकान का। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी थकान पैदा होती है। इसके अलावा कैंसर्स में, वैस्कुलाइटिस यानी ब्लड वेसल्स की बीमारियों में और रूमेटिक डिजीज़ में भी थकान पैदा होती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में भी महिलाएँ चिड़चिड़ापन और थकान की शिकायत करती हैं। अगर आपको भी PCOS या PCOD है तो मैं आपको अपनी PCOS की प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगी, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपको अपना PCOS सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करने की भी सलाह दूंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस ग्रुप की पहले महीने की मेंबरशिप का कोई चार्ज नहीं है। अगला कारण है मानसिक थकान। मानसिक थकान से भी अक्सर शारीरिक थकान पैदा होती है, तो ऐसा संभव है कि मानसिक कारणों से आपको शारीरिक थकान हो रही हो। आइए अब बात करते हैं मानसिक थकान के कारणों के बारे में। आपने अक्सर ऐसा महसूस किया होगा कि आपको पूरे दिन नींद आती है, कोई काम में मन नहीं लगता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। अगर ऐसा है तो आपको भी मानसिक थकान हो सकती है। मानसिक थकान बहुत से कारणों से होती है, जैसे पूरी नींद ना लेना, घर या काम का स्ट्रेस होना, फ्रेंड्स या सोशल ग्रुप का ना होना, अनहेल्दी रिलेशनशिप, फिजिकल इनएक्टिविटी, डिप्रेशन या एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। अनहेल्दी डाइट, जैसे पुराना या पैक्ड फूड खाने से और बहुत मीठा खाने से भी ब्रेन सुस्त हो जाता है। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अनऑर्गेनाइज्ड हो तो भी थकान होती है, जैसे रूम या वार्डरोब में चीज़ें बिखरे रहना, रिंकल्ड और गंदी बेडशीट होना। तो आइए अब जानते हैं थकान के उपचारों के बारे में। मैं आपको आपके थकान के ट्रीटमेंट के लिए किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन की सलाह दूंगी। गूगल करके अपना इलाज खुद करना आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आपको मानसिक थकान है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग। दूसरा, सुबह या शाम को बाहर जाकर फिजिकल एक्टिविटी करना, जैसे वॉकिंग या रनिंग। आप अपना मनपसंद खेल भी खेल सकते हैं, जैसे बैडमिंटन या टेनिस।
ऑफिस में लगातार बैठ के काम ना करें, हर 30 मिनट पे उठ के स्ट्रेचिंग या थोड़ा वॉक कर लें। हफ्ते में एक दिन खुद को दें या शॉर्ट वेकेशंस भी प्लान कर सकते हैं फ्रेंड्स या फैमिली के साथ। टाइम निकाल कर आप अपनी हॉबी भी परस्यू कर सकते हैं, जैसे रीडिंग या पेंटिंग या स्विमिंग। अपने रूम को साफ और ऑर्गेनाइज रखें, ऐसा करने से आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और इन्फेक्शन या एलर्जी से भी बचेंगे। सोने का समय निर्धारित कर लें, अपनी डाइट में फ्रेश फूड्स इंक्लूड करें, बहुत सारा एक बार में ना खाएं, छोटे छोटे मील्स लें जिससे आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया है कुछ प्रोडक्ट्स का, जिसको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं। कैफिनेटेड ड्रिंक से बचें, अल्कोहल, स्मोकिंग और तंबाकू खाने की बुरी आदतों से दूर रहें। इन सारी बातों को फॉलो करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी थकान कम नहीं हो रही या उसके साथ साथ और परेशानियां भी शुरू हो गई हैं, तो अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, जिससे सही ढंग से जांच हो और आपका ठीक से इलाज शुरू हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है या किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना हो तो कमेंट में मेंशन करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचे जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।